सबसे पहले हम एक बात है कि हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, तो हिंदी व्याकरण उसे कहते हैं कि हमें शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना समझना आ जाए, उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं। ये सबको पता है, सब लोग जानते हैं, है ना, जिस सबसे हमें लिखना पढ़ना बोलना तथा समझना आ जाए उसे हम हिंदी व्याकरण कहते हैं, ठीक है। अब हिंदी व्याकरण में सबसे पहले अगर चीज पूछा जाता है ना, तो ये भाषा है, भाषा कितनी प्रकार के होते हैं वगैरह वगैरह ये सब, ठीक है, मात्रा है ना, ये सब चीज आप लोगों को तो जानते ही है। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे, आज से शुरू करेंगे हम संज्ञा के भेद। जी हाँ, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो किताब की तरफ मत जाइए, मेरी सुनिए, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। देखिए, संज्ञा मतलब एक, मान के चलिए संज्ञा एक लड़की है, ठीक है, संज्ञा एक लड़की है जिसका नाम है संध्या, ठीक है, तो संज्ञा मतलब संध्या, ठीक है। तो संज्ञा, संज्ञा के पांच पुत्र या पुत्री मान लीजिए, पुत्र है ना, पहला का नाम है जातिवाचक, दूसरा का नाम होता है व्यक्तिवाचक, और तीसरा का जो होता है ना उसका नाम होता है भाववाचक, और चौथा होता है समूहवाचक, और पांचवा होता है द्रववाचक। ये पांच बेटे, और इन पांचों बेटों से मैं आज आप लोगों को मिलवाता हूं, देखिएगा किसका रहन, किसका स्वभाव, किसका गुण, किसका लक्षण कैसा कैसा है, चलिए आज इसको हम पहचानते हैं वीडियो के माध्यम से। चलिए सबसे पहले मैं बात कर देता हूं दोस्तों संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन आप लोगों को मालूम है, किसी व्यक्ति जानवर स्थान या वस्तु के खास नाम को संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, और इसी संज्ञा के रिलेटेड पहला पुत्र का नाम आ जाता है आपका जातिवाचक संज्ञा। जी हाँ दोस्त, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए, वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि क्लास शुरू होने वाली है। और देखिएगा, सबसे पहली बात मैं कहूं संज्ञा के बाद, तो जाति का बोध, ठीक है, जिस संज्ञा मतलब जिस किसी व्यक्ति, जैसे कि जातिवाचक है तो डायरेक्ट आप समझिए कि जिसमें जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे है आपका गाय, फल, फूल, पहाड़, नदी, मनुष्य, इस सब में क्या है, जाति है। और हाँ, मनुष्य यहाँ पर लिखा है, एक बात बता देता हूं, मनुष्य में दो, एक जेंट्स एक लेडी, मतलब एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग, एक मर्द एक औरत, ठीक है, तो दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, मनुष्य ही बोलते हैं, ठीक है। और गाय जो है इसमें जाति है, फूल में जाति है, फल में जाति है, और पहाड़ है, ठीक है, जिसे पहाड़ में है तो बहुत सारे पहाड़ों का अलग अलग क्या है, नाम है, ये सब जाति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए, अब आप लोग समझ गए होंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसमें जाति का बोध होता है, वो एकदम सिंपल सी बात है, जिसमें जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया आप सभी को, बोलिए समझ में आया। यस सर। जातिवाचक संज्ञा जिसमें किस चीज का बोध हो, जिसमें जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़े हम जी। अब हम बढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो, किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो उसे हम है ना क्या कहेंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, गंगा, पटना, श्रीराम, रावण, ये सब क्या है भाई, तो एक ही एक ही है, वन पीस, जो पूरे देश में पूरे विश्व की बात कहें, जो चीज एक ही गो हो है ना, वो व्यक्तिवाचक है। जैसे श्रीराम के वो थे एक ही गोन थे, रावण को एगो था भाई, एक ही गोन था, अच्छा पटना का वो है एक ही गोन है, तो ये सब जो एक एक आता है भाई उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप लोग समझ रहे होंगे, देखिए हमेशा फनी की तरफ ना जाइए, कुछ पढ़ाई की तरफ भी आइए, ठीक है, और ध्यान से समझिए, सोचिए कि जैसे आपका नाम होगा, बहुत सारे दुनिया में आपके जैसे बहुत सारे लड़कों या लड़कियों का नाम होगा, इसलिए आप व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। वैसा नाम जो एक ही हो, जैसे मैं कह दूं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जो थे भाई है ना, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, पूरा नाम मैं बताता हूं, आज के दौर में किसी का मोहन हो सकता है, करमचंद्र नहीं हो सकता है, किसी का गांधी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि टाइटल है गांधी तो अलग है ना, मोहनदास करमचंद्र गांधी, तो ये सारी जो है ये व्यक्ति थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गए, क्योंकि वैसा नाम, वैसा जगह, वैसा स्थान, वैसी चीज जो एक ही पीस हो, वन पीस हो पूरे विश्व में है ना, वो आपका आ जाता है, आ जाएगा क्या चीज,
व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं तो कमेंट कीजिए, और क्लास में जो छात्र बैठे हैं कृपया इधर ध्यान दीजिए, और आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए, आप लोग को समझ में आया या नहीं? आया। तेज आवाज में बोलिए। हाँ, ऐसे अब शुरू हो जाइए, हम भी शुरू हो गए हैं। भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, बड़ी मजा आएगा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिएगा, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म स्वभाव इत्यादि का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एगो देखिएगा, सड़कवा पर जन होता है सब भाई, क्या बोलते हैं, अरे नचवा नहीं नचता है सब, छकवा सब, ठीक है, वो बेचारा रोडवा पर चलता है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम कहते हैं वो ऐसा चलता है, उसका हाव भाव देख कर समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ई नचनिया है। समझ आया? चलता है ऐसा, है ना, मतलब नागिन डांस मारत चलता है, ठीक है, तो चलता भाव आचर, उसका भाव क्या है ना, कोई लड़का है उसका हाव भाव क्या है, ठीक है, कोई कन्या है ना, घर में उसका भाव कैसा है, रहन कैसा है, ठीक है, और बुढ़ापा भी भाव होता है भाई, बुढ़ापा में होता है ना, बुढ़ापा में आराम से क्या होता है, अब तो लाठी तो हमारे पास नहीं है, सपोज डैट इसको मैं कुछ देर के लिए लाठी मान लेता हूँ, ठीक है, ये लाठी है, और बूढ़े इंसान जो होते हैं भाई लाठी पकड़ कैसे चलते हैं, है ना, ऐसे ऐसे ठिंगो ठिंगो चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, क्यों, ये भी एक भाव है, ये भी एक क्या है, भाव है, बुढ़ापा एक भाव है ना, उसी तरह जो है ना क्या है, बुढ़ापा सॉरी हाँ हाँ बुढ़ापा भाव है, सच्चाई और ईमानदारी, सच्चाई, सच बोल रहा हूं उसने चोरी किया था, ईमानदारी से बोल रहा हूं उसने चोरी किया था, है ना, माँ कसम आई शपथ, है ना, ये सब क्या है भाई, यह भाव है, भाव दिखाना, चोरी करके कसम खा जाना, ये भी एक भाव है, और चोरों के पास बहुत ज्यादा भाव होता है जो देखने को मिलता है। ठीक है दोस्त, लाइट कटी हुई है, मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, लेकिन आप लोग को साफ नजर आ रहा होगा, चलिए आगे हम बताते हैं। तो भाव को हम क्या कहेंगे, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म स्वभाव, ये क्या है, भाव है, ठीक है, जो जिस धर्म में रहता है उसका वैसे ही भाव है ना, स्वभाव हो जाते हैं, ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। चलिए क्वेश्चन में फोर की तरफ चलता हूं, समूहवाचक संज्ञा, समूह अथवा समुदाय, यहां ध्यान रखिएगा, समूह अथवा समुदाय का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे वर्ग, वर्ग मतलब क्लास, क्लास में जितने भी छात्र बैठे हैं सब एक समूह है, एक समूह में बैठे हैं। सेना, आर्मी जो है ना भाई, सेना, सेना जो है एक क्या है, समूह है। सभा है ना, आम जनता, लोकसभा है ना, सभा जो है जहां मर्दों है ना कि सभा बैठती है ना, वो आपका एक सभा बोलेगा। और गुच्छा मतलब अंगूर का गुच्छा है ना, अंगूर देखे एक 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 रहता है, ठीक है, तो अंगूर का गुच्छा, लीची का गुच्छा, ठीक है, लेकिन ज्यादातर खास अंगूर से सुनिएगा, अंगूर का गुच्छा, ये सब क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है, यानी समूह अथवा समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक कहते हैं। ठीक है, जहां 10 लड़कियों का झुंड हो, ठीक है, हाथियों का झुंड हो, चींटियों का झुंड हो, है ना, शेर का झुंड, शेर का तो झुंड हो ही नहीं सकता है भाई, क्योंकि जंगल का राजा शेर ही होता है, कभी वो झुंड में नहीं चलता है, है ना। चलिए भाई, तो समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसमें समूह अथवा समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब मैं 5 की तरफ बढ़ते हैं, 5वें, द्रववाचक संज्ञा किसे कहेंगे, किसी द्रव या धातु का बोध हो, किसी द्रव या धातु का बोध हो उसे द्रववाचक कहते हैं। एक बात बताइए, दूध जो है द्रव है या धातु, जोर से बोलिए, द्रव है, दूध जो है ना द्रव है, सोना जो है द्रव है या धातु, द्रव है, धातु है, क्या है, धातु, चांदी क्या है, घी क्या है, द्रव, और पानी क्या है, पीतल क्या है, वेरी गुड, पीतल जो है ना धातु है। ठीक है, ये तो चीज समझ में आ जा रहा है, तो ये सारी चीज है, जैसे मान के चलिए कि घी है, घी को जब आग पे पिघलाइएगा तो द्रव बन जाएगा, पानी की तरह बनकर वो क्या करने लगेगा भाई, रेंगने लगेगा, पानी तो द्रव है ही, है ना, उसके बाद दूध जो है जमीन पे गिराइएगा तो भी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, तो भी क्या है भाई,
द्रव ही है, ठीक है। और बाकी जो चांदी और पीतल जो और सोना जो है ये सब आपका धातु है। तो मैंने अभी बताया है कि द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी द्रव या धातु, किसी द्रव या धातु क्या का बोध हो, किसी द्रव या धातु का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, द्रववाचक संज्ञा कहेंगे। आप लोग समझे होंगे, बहुत बेहतरीन समझे होंगे मेरे दोस्त, है ना। और मैं आपका संज्ञा का पूरा डिफिनेशन, है ना, और संज्ञा के पूरे भेद यानी पांचों मित्र और पांचों भाई और पांचों भाई का पांच व्यवहार मैंने आपको बताया। पहला कहता है कि जातिपति का पहला बात करता है, जातिवाचक है वो जात का बात करता है, व्यक्तिवाचक है वो व्यक्ति का बात करता है, भाववाचक है उस व्यक्ति के भाव और रहन सहन का बात करता है, और चौथा है समूहवाचक जो उसी रहन सहन के समूह में रहता है, और पांचवा है जो द्रव के फेर में रहता है, सोना चांदी के फेर में रहता है। समझ में आया, ये पांच बेटे और पांचों का पांच गुण और पांचों का पांच रहन और स्वभाव। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक जरूर, एक लाइक तो जरूर बनता है, लाइक कीजिएगा। और चलिए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं और बताता हूं, अब मजा आएगा। अब हम बढ़ेंगे सर्वनाम के भेद, संज्ञा के भेद खत्म, अब सर्वनाम के भेद की तरफ बढ़ेंगे कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्त, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है या कहते हैं, मतलब संज्ञा है उसके बदले में जो भी आएगा उसको संज्ञा सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। मान के चलिए यह वस्तु है, यह संज्ञा है, यह वस्तु है संज्ञा है, ये पेन हाथ में जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये संज्ञा है। कब तक है, जब तक देखोगे अपने आंखों से तब तक संज्ञा है, और उसको उठा लिया हाथों में, है ना, ले लिया उसको तो वो सर्वनाम हो गया, ठीक है। आइए अब सर्वनाम की हम बात करते हैं और समझाते हैं। सर्वनाम के छह बेटे, सर्वनाम के छह पुत्र, छह औलाद, छह बेटे यानी छह हैं, और छह का चलिए रहन सहन स्वभाव हम गुण लक्षण बताते हैं कि कैसा कैसा है, आइए इनसे हम भेंट कराते हैं। चलिए, पहला का नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। जी हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है या इसके अंतर्गत आपसे पांच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि बताइए इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होगा, तो आपको टिक मारना पड़ता है और इस टिक के चक्कर में आप गलत भी मार सकते हैं, ठीक है, इसलिए समझ जाइए पहले, उसके बाद। पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री और पुरुष, बस सीधी सी बात है, स्त्री और पुरुष के मेल को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए ये पहलका जो है ना, सर्वनाम का बेटा बस खाली कहां रहता है, स्त्री या पुरुष में, मतलब का चीज का बात करता है, ज्यादा औरत मर्द की बात करता रहता है, हमेशा दिन रात औरत मर्द करता रहता है, उसके मेल के बारे में बात करता रहता है, है ना, कि बताओ ना कि औरत में और पुरुष में कौन सा मेल है, है ना, इसकी बातें करता है। जैसे इसका तो एग्जांपल नहीं हो सकता, अब तो मेल तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, अगर मैं मर्द हूं तो हमारा मेल क्या है, है ना, ये देखो ना ये सब मेल ना है, ये सब वगैरह वगैरह, है ना, समझ रहे होंगे। ये लड़कियां सब होती है तो एकदम सापा चोट होती है, चिकन प्लेट, ठीक है, सब कुछ नहीं होता है, दाढ़ी मूंछ नहीं होता है, समझे कि नहीं। हाँ, लेकिन इसमें एक और बात करता है पुरुषवाचक जो है ना, एक और बात करता है, पता है क्या कहता है, पुरुषवाचक के तीन गो चेला। सर्वनाम के पहला बेटा का नाम पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसके तीन गो चेला है, लीजिए अब चेला भी बिटोर लिया है। पहला चेला का नाम है उत्तम पुरुष, और दूसरा का चेला का नाम है मध्यम पुरुष, और तीसरा का चेला का नाम है अन्य पुरुष। अब आपको यह भी मैं बता दूं कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, यानी बोलने वाले को या कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, और सुनने वाले को क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष कहते हैं, और किसी के बारे में बात की जाती हो उसको अन्य पुरुष कहेंगे। यानी इंग्लिश में कहूं ग्रामर में तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन, ठीक है, तो क्लियर है, समझ रहे हो ना। माना कि मैंने उत्तम पुरुष ने कहा, उत्तम पुरुष कहा, है ना, उत्तम पुरुष का कौन सा काम है, कहने का, है ना, तुम्हारी बेटी जो है बहुत सुंदर है, यानी किससे कह रहा है, उसके पिता से, उत्तम पुरुष
उसके पिता से कहता है कि तुम्हारी बेटी है जो बहुत सुंदर है। तो एक बात बताइए कि उत्तम पुरुष कहा उसके पिता से, तो उत्तम पुरुष कहने वाला है, उसके पापा ने सुना यानी वो सुनने वाला है, इसीलिए वो कौन सा पुरुष हुए? मध्यम पुरुष हुए। और किसके बारे में बात की जा रही है? जोर से बोलिए, बेटी की बारे में बात की जाइए। तो बेटी कौन सी पुरुष हो गई? अन्य पुरुष, है ना। यानी पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वह यही बात करता रहता है। जैसे मान के चलिए कि गांव देहात में बहुत सारा चुंगला चुंगली चुंगलखोर होता है, औरत की बात में कहूं, औरत देखिए कितना सती और सावित्री होती है, मतलब सब लोग नहीं भाई, बहुत कुछ पाया जाता है। क्या करेगी, फलाना की बात सुनकर चिल्लाना से कह देगी, ठीक है। उनका से सुन ली बात आके कही ए उनका घर हेमा हेमा होला, सब कुछ बतिया लगी, लास्ट में पता है क्या क्या कहेगी, उससे हमारा क्या मतलब बाबे, यानी पूरा गांव को कह देगी और लास्ट में कहेगी उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मेरे दोस्त, अगर मान के चलिए फलाना की घर से बात सुनकर चिलाना के घर से कहा जाए, और किसके बारे में? ठिकाना की बारे में, ठीक है ना। तो यानी वो क्या है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष है। कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, लड़का लड़की आपस में बातें कर रहे थे, क्या कर रहे थे? लड़का कह रहा था राहुल सर बहुत मस्त पढ़ाते हैं, तो लड़का कह रहा था, लड़कियां सुन रही थी, और बातें किससे किसके बारे में हो रही थी बताइए फटाफट? हाँ, तो सर के बारे में बातें हो रही थी, यानी सर कौन सा पुरुष हो गए? अन्य पुरुष। लड़का लड़कियां कौन सा पुरुष हो गई? मध्य पुरुष। और लड़के जब बोल रहे थे कह रहे थे तो वो कौन सा पुरुष? समझ में आ गई बात? खूब समझ रहे होंगे आप सभी, ठीक है। और क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है, इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, फिर से दोबारा मैं समझिए तो मैं रिवाइज करा रहा हूँ, और ध्यान देने की बात है, क्योंकि यहीं पर आकर हिंदी में आपका मार्क्स कम आ जाता है, मैट्रिक में इंटर में क्यों कम आ जाता है? इसी के कारण, क्योंकि आपका हिंदी व्याकरण जो है ना गलत है ना, और कमजोर है, ठीक है। इसलिए इसको गलत को सही बनाए और कमजोर को तेज बनाए, और हिंदी में कम से कम आपका 95, 99 नंबर आना चाहिए, तब जाकर मार्क्स कहा जाएगा। चलिए मैं आगे बात कर लेता हूं। अब मैं निश्चयवाचक सर्वनाम की बातें कर लेता हूं कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जी देखिए ये क्या कहते हैं, कहते हैं कि किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध हो, मतलब कोनो व्यक्ति हो, है ना, कोई व्यक्ति हो, और का बोल रहे महीना मारा चट गए महिया खाए लोग आगे देखें। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध हो, मतलब कोई व्यक्ति है उसका भाव, जिसे भाव में का यह राम है, वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह पढ़ रहा है, वह सो रहा है, वह नच रहा है, वह कूद रहा है, वह टहल रहा है, ये सब क्या है भाई? ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब कि यह राम है, राम होगा तभी तो कोई बोला यह राम है, वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह पढ़ रहा है, वह झगड़ा कर रहा है ना, वह मुंह रिगा रहा है, तो भाई देखा है तभी तो कह रहा है, मतलब कि जो काम शुरू है हो रहा है, मतलब जिस हिंदी क्रिया के वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहता है, उसे हम क्या कहेंगे भाई? निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। समझ आया? कंटिन्यू, हम पढ़ा रहे हैं और आप सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो लाइक कर रहे हैं, है ना, कुछ लोग लाइक कर रहे हैं, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? आप निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब मैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात कर लेते हैं। वस्तु या व्यक्ति के भाव के अनिश्चय अनिश्चय का बोध हो, मतलब कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो जिसका भाव जो हो, रहन जो हो, उसका अनिश्चय हो, क्या हो? एक तो निश्चित था, एक अनिश्चित था, ठीक है। यहाँ पर निश्चित अनिश्चित में कर देता हूं, एक अनिश्चित था, एक निश्चित था, तो एक निश्चित वाचक हो गया, एक अनिश्चय वाचक हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है? कोई होगा कुछ दो, मतलब क्या? कौन आते दरवाजा पिटपिटा होता, कौन है? तो घर में ऊपर है, कोई होगा दरवाजा खोलो, कोई होगा कुछ दो, पूछ दो, है ना, होगा। गा गे गी का प्रयोग, जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में गा है, गे है, गी है, ना, गे हो, तो ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक। हाँ,
उसी ने चींटी काटा होगा। देख लो बड़ा पटला सुता, देख लो लहा रहा है। हाँ हवे पापा के पैसा लूट ले होई, होई मतलब गागेगी, ठीक है भोजपुरी शब्द है गागेगी, है ना, उसी ने पॉकेट मारा होगा। देखा है चोर ने चोरी किया होगा, इतबार सत्य चोर चोरे चोरी करता है, लेकिन गा हो सकता है कि तुम ही चोरा लिया हो, चोर पर मार रहे हो तीर, मतलब कि यह अनिश्चित बात है। जो काम अपने आंखों से नहीं देखे होंगे, आप खुलियाम लहा रहे हो, हवा में तीर मार रहे हो, वह चीज आपका हो जाएगा क्या, अनिश्वाचक। देखिए निश्वाचक सर्वनाम जो है, सर्वनाम का बेटा, ये क्या करता है, जो आंख से देखता है वो कहता है कि हाँ ये हुआ है भाई, हम देखे हैं, इसका मतलब। अनिश्चय दूसरा तीसरा का बेटा है, वो नहीं देखता है, सिर्फ हवा में तीर मारता है, लहाता है, यानी झूठ बोलता है, सिर्फ फ्यूचर की बात करता है, फ्यूचर की बात करता है, भूत और भूतकाल और फ्यूचर काल दोनों कर देता है ना, होगा ऐसा लग रहा है कि बीत गया है, होगा, है ना, होगी, होगा, होगी, होगा। बड़ी हो सकती है, देखो है ना बोर्ड पर, देखो समझो तो होगा, है ना। जैसे मान के चलिए कि इसी में बैठा है लड़का सब, है ना, राजू बैठा है, राजू कह रहा है कि मेरी शादी होगी, है मैं दुल्हन लाऊंगी, लाऊंगा, सॉरी लाऊंगा, लाऊंगा, मेरे बेटे होंगे, फिर उनकी शादी होगी। मारा तरह हवा में तीर, कौन थी वह शादी ना हो, है अभी ना हो, अभी कोड़े तरह भाई, है ना। तो इसका मतलब क्या है, होगा होगी वाला बात कर रहा है, होगा होगा होगा, ये सोचना है। आप लोग सॉन्ग सुने हुए, दिल ले गया परदेसी, मुझे रोकना था, क्या होगा होगा होगा, कोई सोचना था, यानी होगा होगा क्या होगा, है भाई याद रहिए, होगा होगी जहां आए बाबू, वह आपका अनिश्वाचक सर्वनाम होता है। अरे मुंह पर सठे आटा तरक बड़ो है ना, सीधा बैठो मर्द की तरह, आगे देखो। अब हम चौथे की बात कर लेते हैं, संबंध की बात कर लेते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो गौर से समझिएगा, बोर्ड पे देखिएगा, किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है, किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी संज्ञा में संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के खास नामों को, है ना। तो संज्ञा के मतलब मान के चलिए कि कोई लड़की का नाम ले लीजिए, ठीक है, उससे आप रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, दुल्हा दुल्हन बनने जा रहे हैं भाई, है ना, तो संबंध जुड़ता है, आज के बाद वो लड़की नहीं रही और किसी की पत्नी हो गई, यानी संबंध जुट गया ना, है ना, मैं और तुम, वह और यह और वह, आप और मैं, ये और जो आ रहा है ये संबंध जोड़ता है, क्या चीज जोड़ता है भाई, संबंध जोड़ता है। कोई लड़का जा रहा था सड़क, लड़की को कुछ बोल दिया, लड़की ने उत्तर दिया, तुम्हारा मुंह मेरा चप्पल, ठीक है, तो और का रिश्ता कैसे जुटेगा गाल पर, है कि नहीं, ये रिश्ता है, संबंध है ना, किसी संज्ञा से संबंध जोड़ता है, वह कौन है जो कहो सो हो, वह कौन है जो सपनों में आया, चुराई होई भाग जो हो दबा चुराई होई, वह कौन है जो सपनों में आया। अच्छा सपनों में आया तो आप लोग समझ नहीं रहे हो, लेकिन यह मैं कहूंगा, वह कौन है जिसने मेरा पर्स चुरा लिया, तो आपके दिमाग में आया होगा कौन मारा होगा, चोर मारा होगा, ठीक है, तो भाई संबंध जोड़ता है, वह कौन है। अच्छा जो कहो सो हो, मतलब तू जौन कह तौन हो जाओ भगवान परस, जो कहो सो हो, इसका मतलब है सो हो, सो जो है ना वो जोड़ रहा है रिश्ता को। तो चौथ का बेटा जौन है सर्वनाम का, ये कौन सा काम करता है, रिश्ता जोड़ने का काम करता है,
लोगों का शादी विवाह कर रहता है, पंडित जी है, कहता है ओम मंगलम भगवान मंगलम करो, लड़की को बुलाया जा। चलिए तो संबंध आप लोग समझ गए। अच्छा एक बात बताइए कि हम में और आप में क्या सा रिश्ता है, कौन सा संबंध है? तो मैं आपका क्या हूँ? जोर से बोलो। और मेरे मैं तो आप लोग का टीचर हूँ, तुम लोग मेरा क्या हो? छात्र हो ना जी। तो हमारे और तुम्हारे बीच जो रिश्ता है, एक छात्र और एक शिक्षक का रिश्ता है ना, शिक्षा देने का काम है, तो ये एक संबंध है। क्या है? एक संबंध है। चलिए अब मैं पांच नंबर बात कर लेता हूँ, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्वयं या निज, स्वयं या निज का बोध होता है ना, कोई चीज हो स्वयं हो जाए या निज हो जाए उसको हम क्या कहेंगे? तो निजवाचक कहेंगे। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, डोंट टच मी, हम किसी दूसरे की अमानत है। बोलो हाँ पार्टी में लड़किया का शादी दूसरा कौन सा होता, कहता ना ना हमला स्कूल बोला सी गए चटाक से हाँ लगल और भरे समाज में अपमान हो गया। अपमान जब हो गया तो गाल टोते कह रहे हैं कहा मैं आप ही से चला जाऊंगा, मुझे मत छुओ मैं चला जाऊंगा, होता है ना। अच्छा आगे देखो, मैं कभी नहीं आऊंगा, क्या बोला होता जो होता है ना, मैं गुस्सा होकर घर से भाग जाऊंगा, कभी गुतर भाग जाऊंगा। ये सब चीज जो होता है, ये सब जब शब्द का प्रयोग होता है, मैं कभी नहीं आऊंगा। अच्छा आप लोग बहुत सारे डायलॉग सुने होंगे, मैं मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, है ना, मैं कट जाऊंगा। तो ये सब जो है ना, अपने आप से अल्फाज निकालते हो बिना किसी के कहे, ठीक है, ये तो आपका क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। बोलिए, बड़े बड़े फिल्म में डायलॉग है, अरे बड़े मालकिन साहब जी ने मुझे यहां चट्टा मारा, मैंने आपका घर का नमक खाया है, बड़े मालकिन कम से कम जाते वक्त आशीर्वाद तो दे जा, मैं जा रहा हूं कभी नहीं आऊंगा। ये सारी डायलॉग्स जो है भाई, ये सब क्या है? एक निजवाचक है। कभी नहीं आऊंगा मैं, अब कभी नहीं पढ़ूंगा मैं, तुम लोग अब कभी नहीं पढ़ाऊंगा, इस सब का मतलब क्या है? ये निजवाचक है। ठीक है, निजवाचक मतलब कि स्वयं और निज खुद अपने आप से कहता है, कोई कहने पर मजबूर नहीं करता, खुद अपने आप से उगलता है, उसका निज है। तो पांचवा जो बेटा है सर्वनाम का, वो तो निछरिया है जी, दिया है अपने से, क्या होता है छरिया जाता है, गुस्सा हो जाता है, अपने आप को लगता है काटने, है ना, माँ खाना नहीं देती है, माँ पैसा नहीं देती है, रुठने लगता लगता है घर से भागने, मैं घर से भाग जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, उसका नौटंकी है, समझ में नौटंकी है, अनसर गुस्सा टाइप का है, निजवाचक है। समझ में आया? आया तो लाइक कर दो, कहाँ भाग रहे हो सब, सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो भाग रहा है इसका मतलब ये है, जो भाग रहा है मैं भाग जाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करूंगा, इसका मतलब है कि आप लग रहा है कि सर्वनाम के चौथा सॉरी पांचवा बेटा है का, सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे देखिए, अब छठा की मैं बात करता हूं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जो प्रश्न का बोध हो, प्रश्न का बोध हो, जैसे कि कौन आया है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों खा रहे हो, तुम क्यों सो रहे हो, कौन आया है, ये सब प्रश्न जब हम किसी से पूछते हैं तो उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन जा रहा है, क्या हुआ, टमाटर फटा है नहीं, क्या हुआ, कौन गिरा, कौन पानी पीने गया है, कौन कॉल चला रहा है, माँ को कौन मारा, भाई का पैंट कौन फाड़ा, अरे छोटा फाड़ दिया, बोलो नया नया वो पैंट पहन गया था फाड़ दिया, ये सब प्रश्न है। अरे सब प्रश्न जब हम किसी से पूछते हैं इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा बेटा तो निमुजोर है, किसी का जवाब नहीं देता, खाली लोगों से रुका रुका कर प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है, भाई साहब आपके घर में टीवी है,
क्यों है, चलता है, कैसे चलता है, कौन कंपनी का है, कहाँ है, सीआर है, डिश है, लाइट आती है, बिजली आती है, सीरियल देखता है, कौन सा सीरियल है, क्यों देखते हैं, कैसे देखते हैं, ये सारे सवाल पूछते रहता है, लोगों को पगलवा देता है। यानी तो मतलब है कि प्रश्नवाचक सर का नाम है, यानी छठा का काम है लोगों को बुलाकर चाटना। लोगों को बुला, इधर आइए भाई, आपका मैं पूछू कि आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, गुस्सा है, ऐसे ऐसे सवाल पूछो, इसका मतलब है क्या कि चाट रहा हूं मैं, ऐसे बोलता है ना भोजपुरी में, बोलता है अरे यार दिमाग चट जाता है भाग इधर से, इसका मतलब है छाठा का काम है लोगों को बुलाओ आराम से चाटो, जब तक पृथ्वी पर धरती पर ना गिर जाए तब तक छोड़ नहीं, ठीक है। तो ये सर्वनाम का छठा बेटा है जो प्रश्न को पूछता है और लोगों का माइंड को चाटता है, है ना। चलिए ये था आप लोगों का सर्वनाम के 6 भेद, और लास्ट में आप लोगों को विशेषण के 4 भेदों की बात हम कर लेते हैं। चैनल पे लाइक कीजिए, और समझ गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, है ना, वेरी नाइस, है ना, क्योंकि बाबू मेहनत तो लगती है, बोलने में मेहनत लग रही है, सुनने में कोई मेहनत नहीं है, है ना, चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करने में भी कोई मेहनत नहीं है। चलिए आगे मैं पूछता हूं, विशेषण के 4 पुत्र, विशेषण के 4 पुत्र, चारों का 4 ग्रहण, और चारों 4 रहनदार हैं, चारों को चलिए हम आप लोगों से मिलाते हैं कि चारों का रहन हम देखते हैं कि कौन कैसा है। पहला का नाम आता है बाबू गुणवाचक, भाई गुणवाचक, पहला का नाम है गुणवाचक, संज्ञा के गुण रंग आकार अवस्था। अब संज्ञा की बात हम कर लेते हैं, बोले थे ना मैं कि किसी व्यक्ति जनवर स्थान या वस्तु के खास नाम को संज्ञा कहते हैं, तो व्यक्ति का हम बात कर लेते हैं, जब व्यक्ति का गुण रोहन सोहन स्वभाव तथा उम्र यानी अवस्था की अगर बात करता है तो वो है विशेषण का पहला बेटा जिसका नाम है गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। आप लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पे, इधर गुणवाचक कहता है कि संज्ञा का गुण रंग आकार अवस्था है ना, काली टोपी, काली टोपी जो है भाई, टोपी है रंग में क्या है, काली है, तो काला है भाई गुण है कि नहीं, काली टोपी, गोरे गोरे मुखर पे काला काला चश्मा, गोर गोर थोपाड़ा पे काला काला चश्मा, अरे गोरा मुंह है अपर करिया चश्मा है ना, तो सबसे पहले चश्मा देख रहा बवाल लग रहा होगा है ना, इसका मतलब क्या है गुण है, गुण का है जो है नू है, लेटिंग हो जाता है तो चश्मे लगा के जाता है, हीरो बन के जाता है ना, इसका गुण है, रोहन है, स्वभाव है, हम क्या करें, बोलिए अरे हाई देखो ना, लुंगी नीचे पहन लेता है, ऊपर पैंट शॉर्ट पहन लेता है, ऊपर से टाई लगा लेता है, कौन सा हीरो है भाई, अरे इसका देखो ना, इसका गुण देखो ना, इसका रोहन देखो, वही देखो है ना, इसका रोहन देखो, वही देखो क्या करता है, आगे का शॉर्ट फोस लेता है, पीछे का भगई चुहा लेता है, चल देता है, इसका क्या है भाई, इसका गुण है, स्वभाव है, सब तो गुण है, सब गुण भरा है, आजकल के गुण का पूछिए मत, संस्कार अंदर से है ना, फटाई फटाई कपड़ा पहन रहा है सब, नहीं कहना चाहिए, बहुत सारे कपड़ा पहन रही है सब, कुकुर नोचले है ना, लटका जा रही है, कुकुर लगता है ना, पहले हम लोग लफा डोरी खेलते थे आम के गाछ पर है ना, नया नया पैड ऊपर चीर लेते थे, नया नया शॉर्ट फट जाता था लफा डोरी में, कोई खुटी में फंस गया गिर गया पता चलेगा कि आधा शॉर्ट हुई में आम के गाछे में लटक रहे, ठीक है ऐसा हुआ करता था, आजकल जींस में क्या कर रहा है, जींस में 17 जगह 18 जगह रफ है, फटा फटा है, वही पहन के बारात में निकल जा रहा है, कल का लड़का सब था ना, एक थोड़ा सा छेद हो गया था पैंट बेचारा चेपी मार के पहनता था, लाजे बारात में हाथ रखा रहता था कि देखो मत अगर फाटल पैंट पहन रहे, और तो पूरा शरीर में फाटल पहन रहे थे, का कहा जाए, यही गुण है, गुण क्या है, गुण रंग आकार अवस्था, तुम्हारी उम्र क्या है, अरे उम्र के साथ सब सब गुण अच्छा रहन स्वभाव अच्छा लगता है ना, चेहरा गोल, अच्छा देखिए ना वो लड़की का चेहरा कितना सुंदर है, कितना क्यूट है, उसका चेहरा गोल है, इसका मतलब गुण बता रहा है, अच्छा सुंदर औरत है, सुंदर औरत, सुंदर जो औरत है कितनी सुंदर है, वो औरत जो है ना कितनी सुंदर है, अच्छा चोर है, चोर के रोहन बा, चोरी नहीं हो गुण है, अरे बहुत चोरी नहीं हो घर में मत घुसे दी है, इसका मतलब है गुण है, गुण क्या है, आती है तो डबा गायब कर लेती है,
और आता है तो डब अगर तो लिप्त हो जाता है, इसका मतलब गुण है। और तो देख लीजिए विशेषण का पहला पुत्र का नाम गुणवाचक, ये किसी को फट से देखकर गुण बता देता है कि तुम्हारी रहन सहन स्वभाव कैसा है, तुम्हारी अवस्था क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है। डॉक्टर देख कर बता देते हैं ना कि करीबन होगा 22-23 साल का होगा, लिख लीजिए 23 साल। हाँ जी बाबू 22 साल के हैं, हाँ हाँ सर 22 साल के हैं। हाँ जी मतलब देखकर अप्रोक्स बता देना कि इसकी उम्र इतनी है ना। बड़े बड़े तांत्रिक देखकर आपको पढ़ लेते हैं है ना, आपको समझ जाते हैं कि आपके मन में लालच है कि आप अच्छे इंसान है कि चुट्टा इंसान है कि बेईमान है, सब बताते रहते हैं ना। इसका मतलब उनके अंदर गुण भरा हुआ है, गुण भरा हुआ है, उसी को गुणवाचक कहा जाता है। और दूसरे की बात कर लेते हैं परिमाणवाचक क्या है, तो किसी वस्तु की नाप या तौल को क्या कहेंगे परिमाणवाचक। जब किसी वस्तु को हम मापते हैं तब तो ना परिमाण निकलता है कि 2 किलो बा। अच्छा जब मार्केट में खरीदने जाते हो सब्जी अभी ना जोखले आपको दे देगा ले हुए जोखबा कि ना हो कम बा कहते हो ना, तौलेगा, जब तौलेगा तब 2 kg 1 kg का पता चलता है। कपड़ा आप जाइएगा बिना मापे काट कर दे दे सिलने के लिए, होगा मापा जाता है 2 सेंटीमीटर की 2.5 सेंटीमीटर की 350 सेंटीमीटर की 300 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कितना कपड़ा आपने लगेगा। तो मापने या तौलने की विधि को परिमाणवाचक कहा जाता है। जैसे कि थोड़ा दूध दो, और एक और बात, थोड़ा दूध दो, थोड़ा मतलब क्या क्या कहा गया, किसी वस्तु की नाप या तौल ली जाए। थोड़ा दूध दो, थोड़ा का मतलब कितना, कुछ भी पता नहीं चला, पता चला यस या नो, पता चला नहीं। मैं दूध खरीदने जाऊं और बोलूंगा कि दूध दो, भाई दूध गाय बेच रहे सर, थोड़ा दूध दो, मैं क्या कहा थोड़ा दूध दो, पता चला। पहले के लोग कहता था 1 पसेरी 2 पसेरी 22 पसेरी, पसेरी क्या है। आजकल के लड़का सर पूछ रहे पसेरी क्या है तो पता नहीं चले। अच्छा कुछ समय दो, कुछ सॉरी कुछ रुपये दो, कुछ समय दो, भाई हमारा पैसा दो भाई, बस प्लीज प्लीज कुछ और समय दे दो। मतलब आंसर निकल के आया नहीं ना, 1 दिन दो 2 दिन दो कि 4 दिन दो कि 10 दिन दो, आंसर नहीं निकला। कुछ खाने को दो, मम्मी भूख लगी है कुछ खाने को दो ना, कुछ खाने को दो, कुछ का मतलब क्या, खुबो नमक चाट लो पानी पी लो। लेकिन ये परिमाण जो है ना, परिमाणवाचक जो है ना, सिर्फ अंधेरा में रखता है, डार्क में रखता है। कुछ दो ना, कुछ रुपये दो ना, कुछ पैसे दो ना, है ना, कुछ खाने को दो ना, इस सब कुछ कुछ में बतियाता है लेकिन साफ सुथरा नहीं बतियाता है। लेकिन तिसारका का जो रहन है ना संख्यावाचक, ये सीधे सीधी बतियाता है। और क्या कहता है भाई, व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोधो उसको संख्यावाचक कहते हैं। 10 आदमी हो जी रहे हैं, वहां 10 आदमी थे, वहां 20 हाथिया, वहां 50 क्या कुत्ते। अच्छा उसके बाद 4 रुपये दो मम्मी, मम्मी 30 दिन के बाद आऊंगा, मम्मी 10 डंडा मारना जब भाई आएगा घर तो। मतलब पहले ही बता रहा है, संख्या बता रहा है कि 10 डंडा मारना, इसका मतलब क्या है। पुलिस ने मुझे आज सड़क पे रुका कर 4 डंडा मारा, तो इसका मतलब है कि 4 डंडा मारा सत्य होगा। पुलिस ने बहुत मार मारा, बहुत का मतलब क्या, अनगिनत, गिनती ही नहीं, ठीक है, अनगिनत मारा, अनकंटेबल, कंटेबल संख्यावाचक है ना संख्या, और अनकंटेबल जिसकी गिनती ही ना हो। अच्छा तो ये संख्यावाचक का काम है किसी भी वस्तु को अप्रोक्स संख्या गिन कर देना। और चौथा नंबर आपका विशेषण के भेद में चौथा सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को, संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को कहा जाता है सर्वनामिक। जैसे कौन विद्यार्थी अच्छा है, संज्ञा के पहले ही आ जा रहा है, विद्यार्थी के पहले ही आ रहा है क्या, कौन कौन विद्यार्थी अच्छा है। कोई पुस्तक ले लो, कौन बेईमान है, कौन आ रहा है ना, क्यों जा रहे हो, काहे रुसर बर, ये सब जो आता है प्रश्न से पहले आ जाता है। जैसे कि उस वक्त पूछे थे तुम्हारा नाम क्या है,
तुम्हारा नाम क्या है, वो प्रश्न है, क्या तुम्हारा नाम है। अगर पहले आ गया क्या तुम्हारा है तो इसका मतलब है सर्वनामी। अच्छा आप लोगों ने बालवीर देखा होगा, डूबा डूबा और तोबा तोबा को देखा होगा। तोबा तोबा जो है क्या कहता है, हूं मैं प्रधानमंत्री, बताइए हूं मैं प्रधानमंत्री। सीधा नहीं सोचा, नहीं कह सकता मैं प्रधानमंत्री हूं, पहले हूं को उठा लेता है आगे और कहता है हूं मैं प्रधानमंत्री, है कौन नहीं जानता मुझे। उसको डायरेक्ट कह दे कि मुझे कौन नहीं जानता है, तू नहीं कहता है, पहले है को उठा के आगे लाता है तब बोलता है। कोई भी जब शब्द बोलता है लास्ट में जो आता है, जैसे कि मैं एक शिक्षक हूं, हूं मैं एक शिक्षक, पहले हूं को मैं उठा लाया। अगर ऐसे वाक्य आ जाते हैं है ना, और क्या क्यों किस लिए कब कहां, अगर ऐसे सवाल जब आ जाते हैं तो वो उसका मतलब होता है सर्वनामिक विशेषक। ठीक है, काम के पहले ही क्या कौन कैसे आ गया उसको बोलते हैं सर्वनामिक। किसी भी सवाल में अगर सबसे पहले क्या कौन कैसे क्यों अगर आ जाता है तो समझ जाना मेरे बाबू कि वो है सर्वनामी विशेषण। ठीक है, आज की जो है ना संज्ञा से लेकर सर्वनाम से होते हुए विशेषण की तरफ हम लोग ने रवाना हुआ, और सबके पुत्र और सबका रहन सहन स्वभाव यानी सबका डिफिनेशन के साथ मैंने समझाया। वीडियो कैसी लगी हुई होगी मैं तो नहीं जानता, आप जानते होंगे क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं पढ़ाया हूं, आप लोग को 100% समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आई है ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे इसी के पार्ट 2 लेकर, क्योंकि विशेषण के आगे पढ़ाना है ना। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।